के साथ। नुआपुल रमना से ट्रक चालक की हत्या कर 70 लाख रुपए मूल्य का काजू लदा ट्रक को लूटने के मामले में फरार एक आरोपी को लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 1 जनवरी की रात हुए लूटकांड से हड़कंप मचा हुआ था। लंका पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी की अभी भी तलाश है। अपने कार्यालय में खुलासा करते हुए डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि गत दिनों हुए लूट और हत्याकांड के वांछित की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई थी। उसी क्रम में बुधवार को गठित टीम ने वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार बिंद उर्फ धोनी निवासी छनौरा थाना दुर्गागंज भदोई को बाटी चोखा रेस्टोरेंट रमना लंका से गिरफ्तार किया। कब्जे से एक देशी तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। डीसीपी काशी जोन ने बताया कि घटना के मास्टरमाइंड सहित 2 अभियुक्त जेल में नियुक्त है। मास्टरमाइंड 25,000 इनामिया राजेश बिन उर्फ खेतई निवासी छनौरा थाना दुर्गागंज भदोई और अमृतलाल यादव निवासी छनौरा थाना दुर्गागंज जिला भदोई को गत दिनों भदोई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पवन गौड़ अब भी फरार है। 1 जनवरी की रात्रि में एक ट्रक लंका थाना अंतर्गत जो है लूट करके और उसके ड्राइवर की हत्या करके घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में 2 अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ट्रक में लदा हुआ माल, काजू से लदा हुआ जो है ट्रक बरामद किया जा चुका है। इसमें 100% रिकवरी हो चुकी है, लगभग 1 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। इसमें 2 अभियुक्त वांछित थे, जिसमें एक अभियुक्त आज गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है धर्मेंद्र कुमार बिंद। ये छनौरा थाना दुर्गागंज भदोही का रहने वाला है। इसके लिए टीम लगाई गई थी और टीम ने आज इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके कब्जे से कुछ नगद धनराशि व 1 अदद जो है तमंचा व जिंदा कारतूस भी इसके पास मिले हैं। 1 अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए भी टीम लगाई गई है और उस अभियुक्त पर भी इनाम की भी घोषणा की गई है। सच के साथ।